तो मैं फिर आ गया पैसा कमाने। तो जैसा कि सबने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो मैंने बनाई है मून नाइट ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है मून नाइट के बारे में, तो मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है। तो रेडी हो जाओ फालतू का ज्ञान लेने के लिए। तो मैं शुरू करूंगा कैरेक्टर्स के बारे में बात करके, उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। और हाँ, इसके लिए मुझे इसलिए लेट हुआ क्योंकि मुझे पहले रिसर्च करना पड़ा मून नाइट के बारे में, तभी मैंने वीडियो बनाई। और मैं लेट नहीं करूंगा, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो शुरू करते हैं पहला कैरेक्टर के बारे में जानकर, जो कि इस सीरीज के होंगे हीरो और सोल, जिनका नाम है ऑस्कर आइजैक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्कर आइजैक मार्वल मूवी में पहले भी काम किए हैं, और वो मार्वल मूवी है एक्समैन एपोक्लिप्स, जिनमें एपोक्लिप्स का रोल करते हैं ऑस्कर आइजैक। और इसी के साथ ऑस्कर आइजैक हमें दिखेंगे अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 मूवी में, जिसमें रोल करेंगे स्पाइडरमैन 2099 का। तो ऑस्कर आइजैक का कैरेक्टर का नाम है मार्क स्पेक्टर उर्फ स्टीवन ग्रैंड उर्फ मून नाइट। डोंट वरी, ऑस्कर आइजैक 3 कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं, बस इनको अपरिचित वाला हाल हो गया है, मतलब कि DID। अरे डांस इंडिया डांस वाला नहीं भाई, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ट्रेलर में मार्क स्पेक्टर यानी कि ऑस्कर आइजैक थोड़ा कंफ्यूज सा, उसे विजन भी आता था और वो कहता भी था कि उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर है, पर ऐसा है नहीं, उसे DID ही था, यानी कि अपरिचित वाला हाल। स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे है क्योंकि मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, सच्ची। #hashtag मेहनती लड़का। और ट्रेलर में हमें 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई दिए ऑस्कर आइजैक के, पहला तो मार्क स्पेक्टर, दूसरा स्टीफन ग्रैंड और तीसरा मून नाइट। अब देखो, मार्क स्पेक्टर तो इसका रियल नेम है, अल्टरनेटिव आइडेंटिटी इसका है स्टीफन ग्रैंड, और दूसरा अल्टरनेटिव आइडेंटिटी है इसका मून नाइट। लेकिन कॉमिक्स में मून नाइट की 4 आइडेंटिटी थे, पहला तो मार्क स्पेक्टर की, दूसरा मून नाइट की जिससे कि वो क्राइम फाइट करता है, तीसरा तो है स्टीफन ग्रैंड की जो कि एक प्ले बॉय है, बिलियनर है, और वो अपने ही पैसे को यूज करता है मून नाइट के मिशन के लिए, और चौथा है जैक लॉकली जो कि एक कैब ड्राइवर है और वो स्ट्रीट लेवल पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और ऑब्वियसली उसी इंफॉर्मेशन से मून नाइट अपना मिशन पूरा करता है। और ये जो चारों डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, ये एक ही मिशन के लिए काम करते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ, जो कि हमें दिखे थे मून नाइट के ट्रेलर में, और उस कैरेक्टर का नाम है आर्थर हैरो। और आर्थर हैरो का रोल प्ले कर रहे हैं इथन हॉक। और जब आर्थर हैरो का फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ मून नाइट ट्रेलर में, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये कल्ट लीडर है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये आर्थर हैरो कॉमिक्स का आर्थर हैरो नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमिक्स में आर्थर हैरो एक साइंटिस्ट और सर्जन होता है, और वो ह्यूमंस पे टेस्टिंग करता है अपने पेन थ्योरीज के लिए, और ह्यूमंस के टेस्टिंग के लिए वो ह्यूमंस को ही किडनैप कर लेता है, और उसी दौरान उसका सामना होता है मून नाइट से। लेकिन ट्रेलर में जो आर्थर हैरो हमें दिखाया गया है, वो तो कोई और ही कैरेक्टर लग रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में जो आर्थर हैरो है उसका सिर्फ नाम ही लिया गया है, कैरेक्टर नहीं। और अगर फैन थ्योरीज की माने तो ये होगा सन गॉड, क्योंकि सन गॉड का जो लुक है कॉमिक्स में वो वैसा ही है जैसे कि आर्थर हैरो का लुक है ट्रेलर में। और कॉमिक्स में सन गॉड का अप्रोच भी ऐसा ही था जैसे कि वो कल्ट लीडर है, और सन गॉड का कोई रियल नेम नहीं बताया कॉमिक्स में। और सन गॉड को रखा था रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने, और रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट को आप लोगों ने देखा ही होगा वेनम मूवी में। सन गॉड को बाइपोलर डिसऑर्डर था, इसलिए वो रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट का पेशेंट था, और सन गॉड को पावर मिला था सन गॉड रा से। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कैरेक्टर की तरफ, और इसका सिर्फ हम लोग को एक शॉट देखने को मिला था ट्रेलर में, लेकिन पूरा कॉमिक जैसा लुक था, और उस कैरेक्टर का नाम है मून गॉड खोंशु। कॉमिक्स में जब मार्क स्पेक्टर इजिप्ट में था तो बुशमैन ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था, और तभी खोंशु आते हैं और उसे एक तरीका से रिजरेक्ट करते हैं और उसे मून नाइट का पहचान देते हैं। और उसके बाद कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर को खोंशु का आवाज भी सुनाई देता है और उससे कभी कभी दिखाई भी देता है। बेसिकली खोंशु उसको गाइड करते हैं और मिशन देते हैं।
एक तरीका से खोंशु एक एंशियंट इजिप्शियन गॉड रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं चौथा कैरेक्टर की तरफ, और इस कैरेक्टर को ट्रेलर में हम लोग को नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसका सिर्फ आवाज सुनाई दिया है ट्रेलर में, और इस कैरेक्टर का नाम है लायला। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इस कैरेक्टर का नाम कैसे पता चला, तो वो ऐसे पता चला कि जब आप लोग ऑफिशियल ट्रेलर के सबटाइटल्स को ऑन करके देखोगे तो वहां सबटाइटल्स के साथ साथ वो जो डायलॉग बोल रहा है उस कैरेक्टर का नाम भी दिखाता है, स्मार्ट एस। तो ट्रेलर में लायला फोन पे बोलती है कि OMG तुम जिंदा हो, तुम्हें हो क्या गया है मार्क। और उस टाइम पे वो स्टीवन ग्रैंड का आइडेंटिटी में था, इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया कि वो उसे मार्क नाम से क्यों बुला रही है, अपरिचित वाला हाल है। तो लायला कॉमिक्स में कैरेक्टर का नाम है जिसका पूरा नाम है लायला रोज मिलर, जो कि एक बटरफ्लाई नाम की म्यूटेंट होती है। और लायला मिलर के पावर्स हैं कॉमिक बुक सीरीज में रिजरेक्शन, हीलिंग एंड मैजिक। लायला मिलर इन कॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उन कॉमिक्स का नाम है हाउस ऑफ एम, स्कारलेट विच, एक्समैन एंड डेयर डेविल। और इनमें से फर्स्ट अपीयरेंस इनका हुआ था हाउस ऑफ एम में। लेकिन कॉमिक्स में लायला मिलर का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है मून नाइट से। और आई थिंक जैसे कि आर्थर हैरो का सिर्फ नेम लिया है कॉमिक्स से कैरेक्टर नहीं, वैसे ही लायला हिलर का भी सिर्फ नेम लिया है कॉमिक्स से कैरेक्टर नहीं। और हो सकता है कि ये मार्लिन हो, जो कि कॉमिक्स में लव इंटरेस्ट है मार्क स्पेक्टर की, जिसका सिर्फ सीरीज में नाम ही चेंज किया है टू लायला मिलर। और हो सकता है कि लायला मिलर और मार्लिन दोनों हो इस सीरीज में, क्योंकि मैं मार्वल का कुछ नहीं कह सकता। तो अब करते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो मून नाइट के ट्रेलर में स्टार्टिंग में मार्क स्पेक्टर कहता है कि उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जो कि ये वाला बात कंफर्म कर रहा है कि उसे अभी तक नहीं पता कि उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं। और मून नाइट के ट्रेलर में उसके स्टेटमेंट से भी कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि उसे सब ड्रीम जैसा लग रहा है, एंड बेसिकली वो अपने ड्रीम एंड रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। एंड ट्रेलर के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जिससे पता चलता है कि वो स्लीपिंग ऐप भी यूज करता है, और खुद को और गेट को भी लॉक कर देता है ताकि वो नींद में कहीं चला ना जाए। और आगे के कुछ शॉट्स को देखकर ये पता चलता है कि वो मोस्टली स्टीवन ग्रैंड के आइडेंटिटी में रहता है, एंड स्टीवन ग्रैंड काम करता है गिफ्ट शॉप ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम में। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कॉमिक्स में स्टीवन ग्रैंड एक बिलियनर एंड प्ले बॉय है, पर इस सीरीज में उस स्टोरी को फॉलो नहीं किया गया है। बाय द वे ये डोना है, ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर इस सीरीज में करती है, और इस सीरीज में ये स्टीवन ग्रैंड की मैनेजर होगी शायद। कॉमिक्स की तरह इस सीरीज में मार्क स्पेक्टर को विजन्स दिखाई देंगी, और शायद से इस सीरीज में आवाज भी सुनाई देंगी। एक शॉट में हम लोग देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर म्यूजियम में होता है, और वो आगे बढ़ जाता है और उसका रिफ्लेक्शन मिरर में वहीं रुक जाता है, विच अगेन शोज हिज मेंटल स्टेट। और एक शॉट में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक आइसक्रीम ट्रक है, और उसके कुछ शॉट्स बाद हमें देखने को मिलता है कि मार्क स्पेक्टर वही आइसक्रीम ट्रक को लेकर भाग रहा है। और अगर उस शॉट को अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्क स्पेक्टर के पीछे लिखा हुआ है वॉन डी। जो कट्टर मार्वल फैन है वो समझ गए होंगे कि वॉन डी क्या रेफरेंस कर रहा है। तो वॉन डी रेफरेंस कर रहा है डॉक्टर डूम, क्योंकि डॉक्टर डूम का पूरा नाम है विक्टर वॉन डूम। और एक शॉट में हम लोग देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर भाग रहा होता है, और उसके पीछे एक मून का शैडो रहता है। तो वो और कोई नहीं, खोंशु होते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ शॉट्स में देखते हैं कि खोंशु एक मून जैसा सिंबल के साथ हमेशा होते हैं, एंड बेसिकली ये सिंबल मून नाइट को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में जो एक शॉट है जिसमें मून नाइट बैटमैन की तरह किसी को मारता है, एंड जो मार खाता है वो शायद से है वेयरवुल्फ बाय नाइट। और मून नाइट के जो पावर्स होंगे इस सीरीज में, वो पावर्स होंगे शायद से, पहला पावर तो है हैंड टू हैंड में एक्सपर्ट, दूसरा पावर तो ये है कि फुल मून के टाइम पे मून नाइट का सारा पावर बूस्ट कर जाता है, और इसी के वजह से मून नाइट को प्रोफेटिक विजन्स आ जाते हैं, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी गेस कर लेता है। और तीसरा पावर ये है कि मून नाइट अपने एनिमी को भी टच करके उसका लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन कॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है हैंड टू हैंड कॉम्बैट को। और हाँ, ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि इसमें बहुत जगह इजिप्शियन टच दिया गया है।
तो कैसे लगी आपको मेरी ट्रेलर ब्रेकडाउन, और अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस की हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए। तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर मूवीज एंड सीरीज से कोई न्यूज फीड चाहिए तो उसका भी इंस्टाग्राम आईडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।